ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी टाइप किया है, सेतु setu.pmjpmjay.gov.in, ये आपको टाइप करना रहेगा और एंटर कर देना। कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जब हम setu.pmj.gov.in की साइट पे एंटर करते हैं, और वहां पे आप देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड में, जहां पे ये मेरा कर्सर अभी दिख रहा है, रजिस्टर एंड साइन इन का ऑप्शन आता है। तो जिन लोगों की आईडी आयुष्मान में काम करने के लिए अप्रूव हो चुकी है, वो यहाँ पे रजिस्टर एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। फिर जो पेज आएगा वो इस तरीके से दिखेगा, साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर साइन इन मोबाइल नंबर साइन इन, और नीचे सीएससी कनेक्ट। तो हमें साइन इन पे नहीं जाना है, हमें सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करना है। सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करते ही वैसे ही हमारा डिजिटल सेवा का जो पेज होता है, आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का, सेम वो आ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक आईडी अपनी लॉगिन करके दिखाता हूँ। जब हम आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ये है हमारा सेतु ऐप जिसपे हमें आयुष्मान का काम करना है। तो आप देखेंगे जैसे इसमें राइट हैंड साइड पे हमको अपनी सीएससी आईडी ये हरे टैग में दिखाई देगी, यहाँ पे इसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें होती हैं, और यहीं से ही हम इसको लॉग आउट भी करेंगे। इसके बाद जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम यही पेज जब आप अपने आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड में जो ग्रीन टैब में है, ये आपकी सीएससी आईडी है, आपकी डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। ये देखिए, ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, और इसी ऑप्शन पे नीचे लिखा रहता है लॉग आउट। तो हम जब अपना काम खत्म कर लेंगे तो यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम किस केवाईसी करने के लिए। तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, ये कुछ हमको टैब दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर पीएमजे सेक, उसके नीचे पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा, फिर नीचे स्माइल, उसके नीचे इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम, उसके नीचे डाउनलोड एंड डिलीवरी, लिंक आधार, फेस आईडी कॉन्फ़िगरेशन, यूजर एक्टिविटी एंड हेल्प। तो हमें इसमें से जो आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन करने पे यूज करना है, वो यूज करना है पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा, जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। पीएमजे सेट डाटा में हमें नहीं सर्च करना है एचएच आईडी या राशन कार्ड डाल के, हमें बेनिफिशियरी को सर्च पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा में जाके ही करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूंगा तो आप वहां पे देख पाएंगे, जब आपको स्क्रीन दिखेगी तो वहां पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज एंड टाउन, बेनिफिशियरी सर्च बाय एचएच आईडी, एड न्यू मेंबर फॉर सेक। जिसमें से ऊपर के दो ऑप्शन का हमें यूज नहीं करना, ऊपर और नीचे का ऑप्शन, हमें बीच वाले ऑप्शन का यूज करना है, बेनिफिशियरी सर्च बाय एचएच आईडी। तो जैसे ही हम बेनिफिशियरी सर्च बाय एचएच आईडी पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें पहले आएगा सेलेक्ट स्टेट, तो हम यहां से जाके अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके ही जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा सेलेक्ट आईडी टाइप। तो यहां पे आप देखेंगे तीन चीजें दिखाई देंगी हमें, आधार, पीएमजे आईडी एंड फैमिली आईडी। तो अब आपको मैं बता दूं आपको सेलेक्ट किस चीज का करना है। अगर आप किसी भी अंत्योदय कार्ड से या राशन कार्ड से, आप कोई भी केवाईसी कर रहे हैं राशन कार्ड नंबर से, तो आप पीएमजे आईडी का यूज करेंगे।
अगर आप HHID के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप फैमिली आईडी का यूज करेंगे। आधार के थ्रू अभी ये चीज इनेबल नहीं हो पाई है, तो आप उसके थ्रू मत सर्च करें। आप सर्च करें सिर्फ PMJID से और फैमिली आईडी से। PMJID राशन कार्ड अंत्योदय की जो हम बेनिफिशरीज का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए हमें PMJ सेलेक्ट करना है, और HHID के थ्रू जो हमें करना है उसके लिए हमें फैमिली आईडी का सेलेक्ट करना है। दोनों ही जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पे हम HHID के थ्रू एक कार्ड बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने फैमिली आईडी को सेलेक्ट किया था, और ये हमने स्टेट को सेलेक्ट किया पहले जहाँ पे था, एंड आए यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप। हमने यहाँ पे क्योंकि हम HHID के थ्रू बना रहे हैं तो हम फैमिली आईडी को ही यूज करेंगे। जैसे ही हम फैमिली आईडी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके ही जस्ट बगल में आता है एंटर फैमिली आईडी, तो आपको यहाँ पे वो HHID जिसको हमें सर्च करना है वो डालनी होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इस तरीके से हमने जब HHID डाल देंगे फिर गेट डिटेल्स का जो टैब है इस पे क्लिक कर देंगे। गेट डिटेल्स पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी टोटल 7 IDs दिख रही हैं। अब यहाँ पे HHID नंबर पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल है उनकी। और यहाँ पे देखिए कार्ड स्टेटस मेन है, ये कार्ड स्टेटस को देखना। तो कार्ड स्टेटस में जैसे आप देख पा रहे होंगे इनके HHID पे सब पे अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेटेड। तो अब हमें इन दोनों चीजों को पहचानना है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब है कि इनकी KYC अभी भी पेंडिंग है। जिनकी KYC पेंडिंग होती है वहां पे अनआइडेंटिफाइड शो होता है, जिनकी KYC डन हो चुकी होती है वहां पे ऑथेंटिकेटेड दिखता है। ठीक है, तो हमें जिनका भी कर रहे होंगे वहां पे कार्ड स्टेटस अनआइडेंटिफाइड करके दिखा रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे हम अभी एक करके दिखाते हैं, जैसे ये इनका अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे इसके बगल में देखिए जहां पे लिखा रहता है ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप भी आप देख पा रहे होंगे वहां पे इस तरीके की स्क्रीन हमको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे अभी हम जिनका कर रहे हैं उनका नाम है वीरेन, उनके सारे डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद नीचे आता है कैंसिल एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। अब हम यहाँ से उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये डिटेल हमारे पास खुल के आ जाएगी। सबसे ऊपर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, नीचे आधार कार्ड नंबर। तो हम पहले उनका मोबाइल नंबर डालेंगे बेनिफिशियरी का जिनका हमें कार्ड बनाना है। नीचे ये जहां पे आधार नंबर दिया हुआ है वहां पे उनकी आधार नंबर हम डालेंगे।
फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। ये उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब नीचे हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे और डालनी रहती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे हमारा स्टेट ऑटो फिल्ड है, बट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमें वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपना, ब्लॉक एंड विलेज। ये चीज फिल करने के बाद हमें ये चेकबॉक्स पर टिक कर देना है, एंड उसके नीचे आप देख पा रहे हैं एक कैप्चा हमें दिया हुआ है, हमें वो कैप्चा डालना है। एंड नीचे दो ऑप्शन हमको देते हैं, प्रीवियस सबमिट एंड कैंसिल। डिटेल सारी सही है, सब कुछ ठीक है, तो हम उस पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये देख रहे हैं डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी इनकी केवाईसी ऑलरेडी एक बार करी जा चुकी है। पूरा प्रोसेस यही होता है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उनकी केवाईसी डन का मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मेंबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत ही छोटा प्रोसेस है। डिटेल्स आपको ऑटो फिल्ड मिलती है, सब कुछ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत होती है उनके आधार नंबर की, उनके आईडी की, HH ID या Family ID की, तो हम इससे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप HH ID के थ्रू, Family ID के थ्रू, कोई राशन कार्ड के थ्रू कार्ड बनाएंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जैसा हमने पहले दिखाया था वहां पे सेलेक्ट करते टाइम हमें PMJ ID को सेलेक्ट करना है। जो तीन ऑप्शन होते हैं आधार, PMJ एंड फैमिली, वहां पे हमें PMJ ID को सेलेक्ट करना है अंत्योदय कार्ड के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू बनाते वक्त, KYC करते वक्त। तो इस तरीके से ये KYC हो जाती है, ये है इस उसका पहला ऑप्शन। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो KYC कर दी, आज करी या कल करी, उनका स्टेटस क्या है, तो नेक्स्ट एक आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, ये आ रहा है यूजर एक्टिविटी। नीचे से सेकेंड लास्ट टैब है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, यूजर एक्टिविटी। हम यूजर एक्टिविटी पे जाएंगे, वहां पे आपको दो चीजें दिखेंगी, सर्च बाय रेफरेंस नंबर एंड आयुष्मान कार्ड यूजर हिस्ट्री। हम आयुष्मान कार्ड यूजर हिस्ट्री पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दो चीजें शो करेंगी, फ्रॉम डेट एंड टू डेट। फ्रॉम डेट हम वो डेट ले लेंगे जब हमने, जब से हम अपने देखना चाहते हैं कि हमने कितने कार्ड हमारे पोर्टल पे बने हैं और वो उनका स्टेटस क्या है। तो जैसे मैं अगर इसमें देखना चाहूँ तो मैं दिसंबर से ले लेता हूँ कि दिसंबर से अभी तक हमने कितनी KYC की है, वो सारी इस पे दिख जाएगी। और इधर टू डेट में मैं टिल डेट आज की ले लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस ID से यहाँ पे चार कार्ड बने हुए हैं, जिनकी रेफरेंस आईडी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रेफरेंस आईडी होती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। स्टेटस उसके बगल में शो हो रहा है, दो कार्ड अप्रूव्ड है, तीसरा वाला कार्ड पेंडिंग है, ये अप्रूव नहीं है अभी, और चौथा कार्ड हमारा अप्रूव्ड है। अगर इसमें से कुछ रिजेक्ट होता तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड में रिजेक्ट दिखा देता। ये हो जाता है हमें स्टेटस देखना कि हमारे बनाए हुए कार्ड का स्टेटस क्या है। तो जो हम कार्ड KYC कर रहे हैं उनकी हमें अगर स्टेटस देखना है तो हम यूजर एक्टिविटी पे आकर के उसको देख सकते हैं, या यहाँ से उनका रेफरेंस नंबर भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं उसके नीचे फोर्थ नंबर के टैब पे, इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स। वहां पे देखिए आपको दो चीजें दिख रही हैं, सर्च बाय आईडी एंड ऐड न्यू मेंबर। ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है अभी, हम सर्च बाय आईडी पे जाते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं कि इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स का यूज हम किस लिए करते हैं। जब भी हम किसी लेबर कार्ड के थ्रू कोई
कोई भी बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो हमें इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम के टैब पे जाना होगा। जैसा अभी हम लोग पहले पीएमजे कंसोलिडेटेड डेटा में गए थे, पीएमजे कंसोलिडेटेड डेटा में हमें एचएचआईडी और राशन कार्ड्स के थ्रू जिनका रजिस्ट्रेशन करना होता है तब यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स का जब हम कभी लेबर कार्ड के थ्रू किसी का कार्ड बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो हम इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स के टैब को यूज करते हैं। और यहाँ पे हम ओपन करेंगे, सर्च बाय आईडी पे जाएंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे अपना स्कीम। अब यहाँ पे आता है स्कीम, यहाँ पे आप दो स्कीम देख पा रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो लेबर कार्ड के थ्रू हम जिनका भी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं लेबर नंबर के थ्रू, रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, तो हम उसमें BOCW का यूज करेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जैसे उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। एंड फिर आप देख पाएंगे उसके लेफ्ट में BOCW दिख रहा है, BOCW में जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हम वो यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सेम वैसे ही स्क्रीन आ जाएगी, हमें उनके कार्ड का स्टेटस दिखाई दे जाएगा। कार्ड के स्टेटस पे देखेंगे, अगर वहां पे अनऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है, अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ है, हम जा करके उनकी KYC डन कर देंगे। सेम उसी तरीके से OTP फिंगर फेस के थ्रू ऑथेंटिकेशन करके वो कंप्लीट हो जाएगी। दिखेगा कहाँ पे, वो सारी चीजें हमें यूजर एक्टिविटी में दिखेंगी, कार्ड का स्टेटस क्या है। तो ये हो गया हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं कार्ड पे। अब आते हैं इस कार्ड में दूसरे तीसरे ऑप्शन के ऊपर, अपना डाउनलोड एंड डिलीवरी का टैब जो आप देख पा रहे हैं। ये स्टेप का यूज हम करते हैं जब हम किसी का कार्ड अप्रूव हो जाता है या पहले से बना हुआ कार्ड है उसको डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करके उसका कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये किया, डाउनलोड एंड डिलीवरी पे क्लिक किया, दो ऑप्शन दिखे, डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, डिलीवर ऑल स्टेट आयुष्मान कार्ड, तो हमने डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पे क्लिक कर दिया। सबसे मेन चीज होगी यहाँ पे जब स्क्रीन आपकी ओपन होगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा अपना, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है आई हैव आधार और बगल में चेक बॉक्स है, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, यस आई हैव आधार। अब जिस भी व्यक्ति का हमें कार्ड डाउनलोड करना है उनका आधार नंबर हमको चाहिए होगा, जैसे मैं आपको अभी एक कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन के वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं, OTP फिंगर एंड आईरिस एंड फेस, तो हम OTP के थ्रू करेंगे। ध्यान रखिएगा OTP हमेशा उसी नंबर पे जाता है जो आपके आधार पे लिंक हो, अगर उनका नंबर आधार पे लिंक नहीं है तो हम फिंगर आईरिस या फेस का यूज कर लेंगे। गेट OTP पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम यहाँ पे OTP डालेंगे उनका जो आया हुआ है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरीफाई का टैब, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, बेनिफिशियरी का नाम एंड सारी डिटेल, और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, तो उसके नीचे ब्लू कलर से हाईलाइटेड है डाउनलोड, इस पे डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ नीचे वो फाइल हमारी PDF में सेव हो चुकी होगी जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम किसी का भी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम किसी का भी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो चाहे हमने कार्ड अभी बनाया हो या BIS 1.0 में बनाया हो, जो भी अप्रूव्ड कार्ड थे उनको हम यहाँ से डाउनलोड करके बेनिफिशियरी को दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है।
ये अभी तक का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आयुष्मान के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें क्या क्या यूज करना है, कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, इस तरीके से हम बेनिफिशरीज को और लाभार्थियों को इस सेवा के का लाभ दे सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी लोग इस सर्विस का यूज